Decisions, decisions, decisions. Value your decisions. Value your decisions. But what kind of decisions? But what kind of decisions? I will tell you. Before that, I remember and I value my words to say to you all, thank you, thank you, thank you, thank you God for all the blessing. Thank you God for my lovely one. Thank you for my happiness family who has subscribed their happiness with my happiness. shall one, I heartiest congratulate to the creator of my happiness and to my happiness family because my happiness has completed nine month of the journey on twenty four, Jan two thousand twenty one. थैंक यू गॉड ब्लेस यू ऑल मोर एंड मोर आई हट ईस थैंक यू टू एवरी वन हुज़ सब्सक्राइब्ड हु हैज शेयर द वीडियोज़ हुव लाइक द वीडियो थैंक यू एवरी वन गॉड ब्लेस यू मोर एंड मोर विद अस नेक्स्ट फ्रेंड्स वैल्यू सीरीज आर गोइंग ऑन सो यू नो वाई आई सेट यू वैल्यू योर डिसीजन एंड फॉर वट काइंड ऑफ डिसीजनज वी हैव टू स्टिल एंड वी हैव टू टेक द स्टैंड डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन यू विद दिस रिटर्न कंटेंट सी वैल्यू डिसीजनस मतलब अपने फैसलों की अहमियत अपने फ़ैसलों की कदर करना किस तरह के फैसले अब अपनी ज़िंदगी में लेते हैं क्योंकि अगर मैं बात करूं तो फैसला तो हर इंसान कहीं ना कहीं चाहे रोके धोके किस तरह से हर इंसान फैसला लेता ही है ना अगर आप एक छोटी चींटी से भी देखें तो चींटी भी जो है वह कई बार हम खाने का कोई पार्टिकल फेंकते हैं तो वो भी उसको उठाने की हिम्मत करती है हम एक चींटी तक से सीख सकते हैं हमारी नेचर में इतने कुछ एग्जाम्पल्स हैं लेकिन हमें किस तरह के डिसीजनस के लिए जो वो खड़े और अड़िल रहना है आज हम उनके बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स मैंने आपसे बात की है हमेशा बॉडी माइंड स्पिरिट की आखिर हमने स्पिरिट लेवल की बात क्यों की है स्पिरिट मतलब ट्रूथफुल हम जब ट्रू स्पिरिट में होंगे तो हमें इंसान की परख होगी इंसान की परख के साथ साथ हमें सिचुएशंस की भी परख होती है और हम सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो है हर एक फैसला जो है वो बहुत सच्चा और बहुत सही ले पाते हैं जब हम स्पिरिट लेवल पर होंगे ये बहुत कंफर्म्ड बहुत बारीकी की और बहुत इंपॉर्टेंट बात है अगर आपको समझ आती हो तो आप इस बात के साथ जरूर अप्रिशिएट करें हो सकता है आपके पॉइंट ऑफ व्यूज बहुत हो हर इंसान की अपनी अपनी लाइफ है अपनी अपनी जर्नी है अपने है, अपने मेच्योरिटी लेवल के स्टेटस हैं लेकिन आई रिस्पेक्ट एवरी लेकिन हाँ मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी जरूर आपके साथ रखना चाहती हूँ क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं सेम होते हुए भी अलग है और अलग होते हुए भी सेम है हमारे जैसी जर्नी बहुत से लोगों की मैच कर सकती है तो चलो मैंने जो बात कही वो मैंने क्यों कही कि हमें डिसीजंस लेने में भी स्पिरिट लेवल पे होना बहुत जरूरी है क्योंकि जब हम स्पिरिट पे होते हैं तो हमें इंसान की सही और गलत की परख होती है हर इंसान बुरा तो नहीं है लेकिन कौन सा इंसान जो बॉडी लेवल पे है कौन सा इंसान माइंड के लेवल पे, है, और कौन सा लेवल जो सच्चाई के लेवल पे, है, तो ये चीज़ों को समझने के बाद ना हमें हर इंसान की परख बड़ी ईजिली हो जाती है समझ गए आगे बताती हूँ टू लर्न फ्रॉम सिचुएशन इज अवर डिसीजन अब मैंने कहा कि डिसीजन तो हर कोई लेता है डिसीजन तो एक चींटी भी लेती है तो हमें अपने डिसीजन से क्या सीखना है उस डिसीजन वाली सिचुएशन से हमें क्या सीखना है क्योंकि आज मैंने माय हैप्पी यूनिवर्स के पेज पे जो आपसे बात शेयर की वो पेज पे मैंने बात शेयर की कि थैंक यू फॉर द सिचुएशन हु हैज़ अपलिफ्टेड यू कौन सी सिचुएशन जिनके थ्रू हमने टफ टाइम देखा हमेशा ही हमारे दुख जो है वो हमें आगे लेके जाते हैं आखिर वो दुख नहीं होते वो कहीं कही ना कहीं कुछ चैलेंजेस हमारी लाइफ के लिए क्रिएटर ने जो प्लान करके रखे होते हैं ताकि हम उनके साथ अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाए और अपनी जिंदगी में एक ऐसी ब्लेसिंग लेकर आए क्योंकि सच में ही ब्लेसिंग्स तो आनी ही है हमारी ज़िंदगी चाहे हम सांसें तो हमारी चलती ही हैं चाहे कुछ भी हो जाता है कि हम जीना छोड़ देते हैं हम जीते हुए लेकिन हाँ कुछ लोग गिवअप कर जाते हैं लेकिन जब हम गिवअप नहीं करते हैं और अपने ट्रूथफुल डिसीजंस के लिए स्टैंडेबल रहते हैं तो डेफ़िनेटली हमारी लाइफ में ब्लेसिंग्स भी होती हैं और हम दूसरों के लिए एग्जाम्पल भी बनते हैं और हम दूसरों के लिए आइडियल भी बनते हैं भाई आइडियल से मुझे याद आया आइडियल तो मेरे फादर हैं श्री चमन लाल जी जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा अपनी लाइफ में क्योंकि आज उनका बर्थडे है आई विश माई फ़ादर अ वेरी हैप्पी बर्थडे और जितने भी इस दुनिया में पेरेंट्स हैं फादर हैं वो सच में ही अपने बच्चों के लिए ब्लेसिंग्स होते हैं और अगर आपके पास मदर हैं तो भी आप बहुत बड़े ब्लेस्ड पर्सन हैं क्योंकि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत कुछ नहीं है लेकिन हम कहीं कही ना कहीं एक दूसरे के लिए ब्लेसिंग है क्योंकि हम एक दूसरे से जीना सीखते हैं सो प्लीज़ ऑलवेज रिस्पेक्ट यूर पेरेंट्स लव योर पेरेंट्स एंड आई प्रे गॉड ब्लेस एवरी पेरेंट्स मोर एंड मोर विथ ग्रेट हेल्थ एंड वेल्थ और मेरे पिताजी मेरे आइडियल कैसे हैं क्योंकि मैंने आपसे बात कही कि सिचुएशन से डिसीजन से सीखना कैसे है कैसे सीखना है हमें डिसीजन से जब हम कोई भी चीज़ है कोई इंसान अगर गरीब है अगर हम सोचेंगे ही नहीं कि हम उठ सकते हैं इस गरीबी से तो क्या हम सीख सकते हैं क्योंकि मैंने अपने फादर से सीखा वो गरीबी से उठे हुए इंसान हैं उन्होंने लकड़ियाँ बेच बेच कर अपनी स्टडी की और हम सबको बहुत अच्छी एजुकेशन दी तो कहीं ना कहीं हम अपने पेरेंट्स से ही सीखते हैं आपके पेरेंट्स भी बहुत रिस्पेक्टेड हैं आपके पेरेंट्स ने भी बहुत सा स्ट्रगल देखा होगा हम बहुत से ऐसे लोगों को देख सकते हैं अपने आस जो हमारे लिए मिसाल बनते हैं ऐसे ऐसे लोग जो है वो आई ऑफिसर बन जाते हैं तो वी रिस्पेक्ट एवरी ह्यूमन बींग क्योंकि हर इंसान के अंदर जब उसकी सोच बड़ी हो जाती है तो वो कुछ भी कर सकता है फ्रेंड्स यहाँ पे हम अपनी आप से ही रिलेट करके आपको बता सकते हैं क्योंकि मैंने कहा कि हम जो कुछ है सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ से दिखा सकते हैं अगली बात आपको बता दू कोर्ट ऑफ द डे जो मैंने आपके साथ शेयर कर ली सिचुएशन आप लिफ्ट एंड वो सिचुएशन हार्ड भी हो सकती है टफ़ भी हो सकती है व्हाट टू फील एग्जांपल अब हम अगर मैं बात करूं जैसे कि मैंने आप एग्जांपल आपके साथ लिखा बिजनेसमैन फैमिली में हम गरीबी से उठना जो कि मैंने आपको अपने फादर का एग्जाम्पल दिया कि वो एक गरीबी से उठे हुए इंसान है अगली बात मैंने बता दी वी फील डिसरिस्पेक्ट सम टाइम अगर एग्जाम्पल बात करें आप कोई भी तरह की जॉब करते हो या आप कहीं पर भी जाते हैं या आप बच्चे हैं आप स्टूडेंट हैं बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर आपको सम टाइम लगता है आपकी डिसरिस्पेक्ट हो जाती है हमारी ईगो हर्ट हो जाती है या बहुत ज्यादा जगहों पर पार्शियलिटी होती है या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं ना डिस्करेज हो रहे हैं तो फ्रेंड्स बिलीव इट आप अपने आप को डिस्करेज मत होने देना आप जब दूसरों को मौका नहीं देंगे इंटरनली अपने आप को डिस्करेज करने का तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हिला पाएगी मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं जैसे अगर ये पेड़ है ना इसकी जड़ें कितनी मजबूत है इसको जब तक हम नहीं तोड़ सकते मतलब जब तक इसको हम अच्छे से काटेंगे नहीं या फिर इसको बहुत ज्यादा एफर्ट करेंगे तभी काटेंगे लेकिन क्या ऐसे ये पेड़ जिस तरह अपने बल के ऊपर ही खड़ा है ना और पेड़ों की तो उम्र कितनी ज्यादा लंबी होती है हम नेचर से बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं तो हर सिचुएशन से चाहे कोई आपका आपको डिसरिस्पेक्ट करता है चाहे आपको कोई डिग्रेड करने की कोशिश करता है तो एक्चुअली मे समवेयर दे आर लूजिंग दियर होप वो अपने आप के साथ ऐसा ही करते हैं क्योंकि मैंने कहा कि हम जो कुछ भी देते हैं वही हमारे पास वापस आता है बिकॉज वन वाइब्रेशन ऑफ हैप्पीनेस विल गो टू द यूनिवर्स एंड इट विल कम बैक टू अस चाहे हम किसी के लिए अच्छा सोचते हैं चाहे बुरा सोचते हैं कहीं ना कहीं वो हमारे पास ही वापस आता है और हम क्या कि मेरे साथ हो क्या गया हो सकता है हमारे कुछ पिछले कर्म हमारे साथ जुड़े होते हैं लेकिन अपने कर्मों को सुधारना भी अपने अच्छे कर्मों के साथ उन्हें चेंज करके अपनी जिंदगी में ब्लेसिंग्स लाना हमारे ऊपर 100% जो है वो डिपेंड करता है ये बहुत ही लॉजिकल बहुत ही कन्फर्म्ड बात है ठीक है अगली बात मैं आपसे बता दूं मैंने यहां पे लिखा पीपल मोटिवेट यू टू ग्रो यूज़ योर सेल्फ रिस्पेक्ट अब मैंने आपको कहा कि अगर आप समाइम आप डिसरिस्पेक्ट फील करते हैं अब दो सिचुएशन है कोई आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है कोई आपसे नफरत करता है तो प्लीज़ डोंट रिएक्ट हर सिचुएशन महात्मा बुद्ध जी ने एक बहुत अच्छी बात की है कि कोई भी सिचुएशन है वो तब तक आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती जब तक आप उसमें रिएक्ट नहीं करेंगे जब तक आप उसमें कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं देंगे आप जब स्टिल होंगे एग्जाम्पल अगर मेरे सामने इस टाइम पे मतलब मेरा हाथ है ऐसे तो जब तक मैं अपने मुँह को आगे नहीं करूँगी तो क्या मेरा मुँह आगे आ जाएगा नहीं आएगा मीन्स मेरे बोलने का बोला कि ऐसे हमारी सिचुएशन है जब तक कि ये इंसान है ये हाथ मेरा कितनी देर तक इस तरह रहेगा एक टाइम आएगा मेरे हाथ में थकावट होनी स्टार्ट हो जाएगी तो ऐसे ही जो है वो हमारी सिचुएशन होती हैं जो हमें अपलिफ्ट करने के लिए हमारी लाइफ में होती चाहे वो फिर कोई पर्सन हो चाहे वो कोई ऐसी सिचुएशन हो जहां पर आपको लगता है कि आपको कोई डिग्रेडेशन किया जा रहा है बट बिलीव इट वो डिग्रेडेशन नहीं होता है वो हमारी लाइफ के लिए एक ब्लेसिंग होती है ब्लेसिंग जरूर आती है चाहे उसके लिए थोड़ा टाइम लग जाता है बट गुड थिंग टेक टाइम और गुड से भी जब और बेस्ट और ब्लेस्ड आता है तो वो चीज़ें टाइम के साथ साथ हमारे लिए और ब्रह्मांड के लिए क्रिएट कर देती हैं माई हैप्पी यूनिवर्स अब आगे आपको मैं बता दूँ कि और मैंने क्या लिखा है प्रूव यू एंड इफ़ यू प्रूव यू लर्न टू ग्रो फ्रॉम पीपल एंड सिचुएशन विच वी विच कैन बी योर बेस्ट डिसीजन सो जस्ट वैल्यू योर डिसीजन एंड योर ट्रूथफुल डिसीजन अब मैंने कहा कि वहाँ से उस सिचुएशन से जो लोग होंगे वो आपको कुछ सिखाएंगे अब वो सिचुएशन भी हमें कुछ सिखाएगी और वो पर्सन भी हमें सिखाएगा लेकिन हाँ हमें यहाँ पर अपनी ईगो को यूज़ नहीं करना है क्योंकि मैंने एक बार आपसे कहा था कि हमें अपनी ईगो को यूज़ करना है हाँ हमें अपना गुस्सा और अपनी ईगो को यूज़ करें इन्हें पॉजिटिव मैनर अगर आपको लगता है कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत हाईर देन जस्ट यूज योर सेल्फ रिस्पेक्ट टू फुलफिल योर ड्रीम्स जिंदगी में कोई भी चीज इंपॉसिबल नहीं होती ये उतनी इंपॉसिबल है जब तक आप सोचते नहीं और आप जितना बड़ा सोच सकते हैं उसके साथ उतना बड़ा कर्म करने की हिम्मत करने के लिए भी आप सोच सकते हैं जस्ट बिलीव इन गॉड एंड जस्ट बिलीव इन योर क्योंकि बहुत सी एक प्यारी लाइन मुझे बहुत पसंद है कहा जाता है कि आ, भगवान बड़ा है या भक्त बड़ा लेकिन अगर मैं अपना आंसर दूं तो भक्त ही बड़ा है जो भगवान को अपनी सच्ची श्रद्धा और आस्था और विश्वास से अपनी जिंदगी में कुछ भी करवाने के लिए सही तरीके से स्पिरिट लेवल पे सच्चाई में विश्वास में होने के कारण कुछ भी करवाने के लिए जो वो मनवा लेते हैं जस्ट बिलीव इन योर कॉन्फिडेंस ऑफ फेथ अगली बात जो मैंने यहां पे लिखा है ट्वेंटी फोर का मतलब क्या है ट्वेंटी फोर आज ट्वेंटी फोर मतलब कि ट्वेंटी फोर वन प्लस टू प्लस टू वन अगर मैंने सारे नंबर को काउंट किया तो मैंने एक कॉमन नंबर निकाला वो है टू टू मतलब कि मून आपको पता है जब आप अपनी लाइफ में इमोशनली स्ट्रॉग हो जाते हैं अपनी लाइफ में अच्छे डिसीजंस लेते हैं तो कहीं ना कहीं जो है ना हम इमोशनली कंट्रोल्ड हो जाते हैं हम अपने इमोशन्स को अपनी भावनाओं को बहुत अच्छे से कंट्रोल करना सीख जाते हैं हम अपने अंदर कुछ इस तरह का कंट्रोलिंग पावर ले आते हैं कि हम इमोशनल होकर कहीं पर भी डिसीजन नहीं ले पाते हैं एक्जाम्पल आप वैसे हंड्रेड परसेंट लोग हो सकता 50 लोग है फिफ्टी लोग कहते हैं कि बहुत पूरी है दुनिया मतलब ही है ये है सट्रा लेकिन आप में से ऐसे लोग भी होंगे जो फिफ्टी परसेंट इतने इमोशनल होंगे जो किसी के आंसू नहीं देख सकते लेकिन हाँ अच्छी बात है हमें दूसरों के आंसू पहुँचने चाहिए लेकिन पहले आप परख तो लो कि वो इंसान आपके आंसुओं की कदर करने वाला है या नहीं आपकी केयर की कदर करने वाला है या नहीं तो तभी हम कहते हैं कि हमें बॉडी माइंड स्पिरिट के लेवल पर होना जरूरी है क्योंकि हमें इंसान की सही और गलत की परख होगी तो हमें पता होगा कि मेरी केयर की जरूरत आखिर किसको है मेरे आंसू की ज़रूरत किसको है मेरे अपनेपन की जरूरत किसको है तभी जो है हम अपनी लाइफ में वो वाले डिसीजंस जो है ले सकते हैं जिनकी हमें क्या करनी है वैल्यू वैल्यू योर ट्रूथफुल स्परिचुअल डिसीजनस जस्ट टू मोर ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट क्योंकि जब हम अपनी ज़िंदगी में अच्छे फैसले लेते जाते हैं तो डिसीजन जो है वो हमारी लाइफ में ग्रोथ एंड डिवेल्पमेंट करते हैं फिर ग्रोथ चाहे वो दुनियावी तौर पर हो ग्रोथ चाहे वो फिर मैंटली लेवल पर हो ग्रोथ चाहे वो फिर स्परिट लेवल पर हो हम जिंदगी के हर दिन में कुछ ना कुछ सीखते हैं सो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच फॉर योर अप्रीशियस लव एंड टाइम आई होप कि आपको ये बात बड़े अच्छे से समझ आई होगी फ्रेंड्स हम, हम सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं हम एक दूसरे दूसरे की पॉइंट ऑफ व्यू की हमेशा ही रिस्पेक्ट करते हैं और मंडे स्पेशल में मैं आपको बता दूं कि मंडे स्पेशल में आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं आपको सरप्राइज़ देने वाली हूँ एक वो ऐसी चीज़ है हमारी इस दुनिया में हमारी सोशल साइट में जो सबको बहुत ज़्यादा मौका देती है हर काम करने का हर एक चीज़ के लिए हर इंसान को एक बहुत बढ़िया जो है वो प्लेटफॉर्म दे दिया गया है बहुत सी ऐसी सोशल साइट्स हैं हमारे पास लेकिन आज से हमने सोचा है कि मंडे स्पेशल में उन्हीं के बारे में बात करेंगे हाउ यूट्यूब कैन बी अ ब्लेसिंग फॉर एवरीवन एंड हाउ यूट्यूब इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग फॉर अस इन ए प्रेजेंट टाइम और एग्जाम्पल दू मैं आपको अगर मैं बात करूं तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से लेकर चाहे हम जैसे नेचुरली जो अपने आप में ही अपने आप को बहुत कुछ अच्छा सोचते हैं और सोचना गुनाह नहीं है भाई हर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी का सेलिब्रिटी है हर कोई सेल्फ रिस्पेक्टिंग है हम सेम एनर्जीज़ हैं लेकिन मैं आपको बता दूँ कि यूट्यूब के थ्रू ना जाने कितने लोगों ने अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म भी किया अपनी ज़िंदगी में वो लेवल अचीव किए और यूट्यूब के थ्रू बहुत ज़्यादा जो है वो पैसे भी कमाते हैं लोग भाई पैसे कमाना पॉजिटिव वे में गलत बात नहीं है फिर चाहे वो सेलिब्रिटी से लेकर किसी ने भी यूट्यूब चैनल बनाया और यूट्यूब जो है वो हर पर्सन को अपनी जिंदगी को खुल के जीने का अपने आप को प्रेजेंट करने का मौका देता है सो जस्ट बी ट्यून कि यूट्यूब हम सबके लिए ब्लेसिंग कैसे है इन ए मंडे स्पेशल थैंक यू गॉड ब्लेस यू और बने रहिए और फ्रेंड्स वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें शेयर करें और अपने आप की और अपनों की कदर करें और केयर करें बाय बाय टेक केयर